फ्रेंड्स, होली का त्यौहार आ रहा है और होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कलर के बिना तो होली का त्यौहार एकदम इनकम्प्लीट है। तो हम होली खेलने के लिए जनरली बाज़ार से कलर लाते हैं, जिसमें बहुत सारा केमिकल्स होता है जो हमारी बॉडी के लिए और स्किन के लिए नुकसानकारक है। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके के साथ, झटपट से घर पर ही होली के कलर्स। और ये होममेड होली कलर्स, घर में जो चीज़ें होती है, वेजिटेबल्स है, फूड कलर है, उससे ही हम आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम फटाफट से पहले होली के लिए पिंक कलर बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितने बीट रूट के टुकड़े लिए हैं, उसमें मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच जितना रोज़ वाटर और थोड़ा सा पानी। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसको हम छलनी की मदद से अच्छे से छान के उसका जो पानी है वो हम निकाल लेंगे। बीटरूट में खुद में ही एकदम बढ़िया सा पिंक कलर होता है। अब इस पानी को हम साइड में रख देते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर जिसे कहते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो बीटरूट का जूस हमने निकाला है वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप बीटरूट की जगह पे जो फूड कलर होता है रेड वाला या पिंक वाला, वो भी थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हो। आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल है उसके साथ आप ये वेरिएशन बना के कलर बना सकते हो। मेन ये है कि हम जो होली कलर बनाएंगे उसका बेस है कॉर्न स्टार्च। इस तरह से हमें धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स करते जाना है और हमें जितना ब्राइट कलर चाहिए उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके बीटरूट का जूस हम ऐड करते जाएंगे। अगर हम एक साथ ऐड कर देंगे तो ये पतला होने की भी संभावना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है और कलर भी थोड़ा सा अच्छा आ गया है, तो इसको इसी प्लेट में इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करके सुखाने के लिए छोड़ देंगे। लगभग एक ही दिन में ये अच्छे से सूख जाएगा, तो इसको हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। वैसे आप छलनी की मदद से इसे छान भी सकते हो। तो हमारा बढ़िया सा पिंक कलर तैयार है। अब हम ग्रीन कलर बनाएंगे। ग्रीन कलर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पालक ली है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल यानी रोज़ वाटर और थोड़ा सा पानी। इस तरह से हम पालक का जूस निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस रहेगी। एक प्लेट में मैं लूँगी 1 कप कॉर्न स्टार्च। 1 कप यानी मैं यहाँ पे 100 ग्राम जितना कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी में कलर बनाना है उतनी क्वांटिटी में बहुत आसान तरीके के साथ आप इसे बना सकते हो। यहाँ पे आप जो चौड़ी सी प्लेट आती है उसमें ही कलर बनाना, ताकि कलर है वो जल्दी से एक दिन में सूख जाए। हमारा ग्रीन कलर तैयार है। इसको भी हम इस प्लेट के अंदर इस तरह से स्प्रेड करके एक दिन के लिए घर में ही पंखे के नीचे छोड़ देंगे। ये अच्छे से एक दिन के बाद सूख गया है, तो इसको भी हम मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र करके ग्राइंड कर लेते हैं। इस कलर को मिक्सर जार में ग्राइंड करने से या फिर छलनी की मदद से अच्छे से छान लेने से ये एकदम गुलाल जो होता है स्मूथ वाला, वैसा ही परफेक्ट बनेगा। तो हमारा लाइट ग्रीन कलर तैयार है। अब हम ऑरेंज कलर बनाएंगे, फूड कलर की मदद से बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप कॉर्नस्टार्च लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, थोड़ा सा रोज़ वाटर और पानी, और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हो और कलर भी। इसको इसी प्लेट में अच्छे से स्प्रेड करके एक दिन के लिए सुखाने के लिए छोड़ देंगे। एक दिन के बाद ये अच्छे से सूख गया है, तो हम इसे भी
छलनी की मदद से छान लेंगे या फिर मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि एकदम बाजार में जैसा स्मूथ गुलाल मिलता है वैसा ही तैयार हो। तो हमारा ऑरेंज होली कलर भी तैयार है। रेडीमेड कलर जो मिलते हैं वो थोड़े से ज़्यादा ब्राइट होते हैं, लेकिन केमिकल वाले होते हैं। अब हम बनाएंगे येलो कलर। येलो कलर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रो टर्मरिक का यूज़ किया है और जो गलगोटा का फूल आता है उसकी पत्तियाँ डाली है, थोड़ा सा पानी, और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और छलनी की मदद से छान के इसका जूस निकाल लेंगे, यानी कि येलो कलर वाला पानी निकाल लेंगे। ये जो सारे होममेड कलर्स हैं वो हमारी स्किन और बॉडी को बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। साथ में ये हल्दी है, फ्लावर्स है, ये तो हमारी स्किन के लिए और भी अच्छे हैं। तो इसे आप घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब फिर से हम एक कप कॉर्नस्टार्च लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ये येल्लो वाला पानी है वो डालते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे जो कलर हमें चाहिए उस हिसाब से और कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे कलर वाला। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसको प्लेट में स्प्रेड करके एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। एक दिन बाद ये अच्छे से सूख गया है तो सेम हम इसे छान लेंगे या फिर मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ वेजिटेबल्स का यूज़ किया है वहाँ वहाँ आप रेडीमेड फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हो। एकदम बढ़िया सा हमारा येल्लो कलर तैयार है। होममेड होली कलर है वो बाज़ार के जो कलर्स आते हैं उससे थोड़े लाइट बनेंगे, लेकिन ये एकदम ऑर्गेनिक है तो हमें कहीं पे ये नुकसानकारक नहीं है। अब हम लाइट पर्पल कलर बनाएंगे। उसके लिए मैंने मिक्सर जार में जो पर्पल केबेज आती है वो थोड़ी सी ली है, उसके अंदर रोज़ वाटर और पानी डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है और इसको हम छान लेंगे ताकि हमारे पास पर्पल कलर का जूस मिल जाए इस तरह से। अब सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हम एक कप कॉर्नस्टार्च लेंगे और उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पर्पल कलर का हमारा केबेज का जूस डालते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे अगर आप टेलकम पाउडर यूज़ कर रहे हो तो आपको ग्राइंड करने के टाइम पे रोज़ वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेलकम पाउडर में खुद में बहुत बढ़िया खुशबू होती है। और आप यहाँ पे थोड़ा सा परफ्यूम भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस के हिसाब से। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको हम प्लेट में स्प्रेड करके एक दिन के लिए छोड़ देंगे। एक दिन बाद ये अच्छे से सूख ही जाएगा। अब इसको हम छलनी की मदद से छान लेंगे या फिर मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। बाजार में जो कलर आता है वो एकदम स्मूथ होता है, तो ऐसी इफ़ेक्ट देने के लिए आपको इस कलर को या छलनी की मदद से छानना पड़ेगा या फिर मिक्सर जार में ग्राइंड तो करना ही पड़ेगा, तो ही एकदम स्मूथ बनेंगे ये कलर। तो हमारा लाइट पर्पल होली कलर तैयार है। ये नेचुरल एकदम ऑर्गेनिक तरीके से हमने सारे कलर बनाए हैं, तो ये आपके स्किन को और बॉडी को बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे और ये बहुत ही आसान है बनाने में। और मैंने यहाँ जितनी भी जगह पे वेजिटेबल्स का यूज़ किया है या फिर फ्लावर्स का यूज़ किया है उसकी जगह पे आप जो नेचुरल फूड कलर आते हैं वो भी डाल के बना सकते हो। और कॉर्नस्टार्च की जगह पे अगर आप टेलकम पाउडर ले रहे हो तो आपको यहाँ पे ऐसे ही खुशबू बढ़ी आएगी। तो यहाँ पे हमारे सारे होममेड होली कलर्स तैयार है, जिसमें हमने ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, लाइट पर्पल और येलो कलर बनाया है। और यहाँ पे आप अपने घर में जो चीज़ें अवेलेबल हो उससे वेरिएशन भी ला सकते हो। और मैंने यहाँ पे जहाँ पे वेजिटेबल्स यूज़ किया है उन सारी जगह पे आप फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी घर पर होली के कलर्स बनाने की ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये नेचुरल और ऑर्गेनिक है तो आपके स्किन को और बॉडी को बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे
और आप अच्छे से होली सेलिब्रेट भी कर पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।